हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है हमारे सामने एलिमोनी, और इसका मतलब होता है तलाक के बाद पत्नी को दी जाने वाली राशि। अब देखिए याद कैसे करेंगे, एलिमोनी, अली नाम का एक लड़का है, उसने अपनी वाइफ मोनी को तलाक दी, और तलाक देने पर उसने बहुत सारा पैसा उसको दिया। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, देखिए An allowance made to a wife by her husband when they are legally separated. जब कोई भी husband और wife legally separated होते हैं, separate होते हैं, अलग होते हैं, तो husband जो है वो कुछ राशि देता है, पैसे देता है। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। Alimony means तलाक के बाद पत्नी को दी जाने वाली राशि। कैसे याद की, अली ने मोनी को तलाक दिया, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्गोफोबिया, इसका मतलब होता है शरीर में कष्ट होने का डर, यानी फियर ऑफ पेन। कैसे याद करेंगे एल्गोफोबिया को, फोबिया मींस डर, एल्गो से एल्बो बना दो, कभी कभी दर्द हो जाता है ना एल्बो में, कोहनी में, एल्गो फोबिया, एल्बो फोबिया, इजी याद हो जाएगा, फियर ऑफ पेन। एल्बम, चित्र संग्रह की किताब, सिंपल है, याद हो जाएगा। अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स, इजी याद हो जाएगा आराम से एल्बम। नेक्स्ट है हमारे सामने एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मींस किशोर अवस्था। एडोलेसेंस से कैसे याद करेंगे हम लोग, एक एड निकला है कि सबको लाइसेंस मिलेगा, चाहे वो किशोर अवस्था, किशोर अवस्था किसको बोलते हैं, 13 से और 17 की बीच की जो उम्र होती है उसको किशोर अवस्था बोलते हैं। तो एड निकला है कि सभी को लाइसेंस दे दो, जो 13 से और 17 के बीच के हैं उनको भी लाइसेंस दे दो। ठीक है, द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, ओके। नेक्स्ट है अडहियर, अडहियर मीन्स पालन करना, आपको बोला गया कि एड करना है हियर, यहां पर खड़े होकर क्या करना है, एड करना, एडवर्टीजमेंट होता है ना, एड करना है यहां पर खड़े होकर, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल पालन करेंगे, यही भी खड़े होकर एड करेंगे। तो देखिए यहां लिखा है बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, तो आपने कहा बिल्कुल अभी एड करने के लिए अपने अंदर क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए और फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बिलीव एंड, एक लिखा है ना बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। नेक्स्ट है हमारे सामने एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य करना, टू डू समथिंग, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले और फिल्म या टू डू समथिंग, इजी है एक्ट, याद हो जाएगा आपको, कार्य करना। नेक्स्ट है हमारे सामने एल्मा मार्टर, एल्मा मार्टर मीन्स स्थान जहां शिक्षा प्राप्त की हो, ठीक है, कोई भी स्कूल या कॉलेज जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की हो, तो इसको कैसे याद करेंगे, पहले भी मैं करा चुका हूं इसको, एल्मा मटर, एल्मा मटर से आप बना लीजिए एल्मा मटर, आप क्या बोल रहे हैं अपनी मम्मी से, एल्मा मटर, और जब आप स्कूल आओ ना मुझे लेना तो वहीं बैठकर छील लेना, एल्मा मटर, याद हो जाएगा। स्थान जहां शिक्षा प्राप्त की हो, देखिए द स्कूल और कॉलेज, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, ओके। नेक्स्ट है हमारे सामने अमैक्सोफोबिया, अमैक्सोफोबिया मीन्स वाहनों का डर, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, अब देखिए इसको याद कैसे करें, अमैक्सोफोबिया, आप बोल रहे हो कि मैं सो जाता हूं जब भी कार या कुछ भी चलाता हूं तो मैं सो जाता हूं, अमैक्सो, एक बार मैं सो गया और आगरा की जगह दिल्ली पहुंच गया, ठीक है, इसलिए मुझे वाहनों से अब डर लगता है, क्यों, क्योंकि चलाते वक्त मैं क्या होता हूं, सो जाता हूं, अमैक्सो, अब मैं सो जाता हूं, हो जाएगा यार, अमैक्सोफोबिया, वाहनों का डर, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला, यानी जो इंसान दोनों हाथों को इक्वली यूज कर लेता हो। तो अब देखिए अंबी नाम का एक लड़का है, ठीक है, 10 ट्रक रस पी जाता है दोनों हाथों से, पकड़ पकड़ के दोनों हाथों का इक्वली यूज करता है रस पीने में, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस, अंबी नाम का लड़का है जो 10 ट्रक रस पी जाता है और दोनों हाथों को बराबर यूज करता है, ठीक है। आगे देखिए इसको कैसे हम बोलेंगे, एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है हमारे सामने एम्बल, एम्बल मींस धीमी गति से टहलना, टू वॉक एमलेसली, एम्बल से बना लो आप, एम्बल से कंबल, कंबल पहनकर आप कैसे धीमी गति से ही चलोगे, ऐसे ही डोलोगे, सर्दियों में ज्यादातर क्या करते हैं, जब ज्यादा सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, कंबल ओढ़ा और निकल गए ऐसे घूमने के लिए, टहलने के लिए, टू वॉक एमलेसली, एम्बल मींस धीमी गति से टहलना। नेक्स्ट है एलमनस, एलमनस मींस होता है भूतपूर्व छात्र, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और यूनिवर्सिटी, तो एलमनस से क्या याद आ रहा है, एलमनस, इलॉन मस्क, याद आ रहा है इलॉन मस्क,
तो इलॉन मस्क भाई कभी ना कभी तो वो भूतपूर्व छात्र रहा होगा, किसी ना किसी का तो स्टूडेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो रहा ही होगा, ठीक है। इलॉन मस्क लग रहा थोड़ा सा एलमनस, भूतपूर्व छात्र, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारे सामने एल्टीट्यूड, इसका मतलब होता है ऊंचाई, यानी द हाइट अबाउट सी लेवल। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, विशेषता समुद्र तल से, समुद्री तल से जो ऊंचाई नापते हैं ना वो होता है एल्टीट्यूड, उसको बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड से क्या याद आ रहा है, दो चीज याद आ रही है, तो हड्डीट्यूड या फिर आप कह सकते हो एटीट्यूड, ज्यादा जिसके अंदर एटीट्यूड हो ना उसको उठाओ और समुद्र में फेंक दो और कहा कि तल से ऊंचाई नाप अब, ठीक है, ज्यादा एटीट्यूड है तेरे अंदर, एल्टीट्यूड याद हो जाएगा। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, द हाइट अबाउट सी लेवल। नेक्स्ट देखिए हमारे सामने एम्बिवलेंट मीन्स किसी के बारे में दोनों तरह के भाव रखने वाला। एम्बिवलेंट बुरा और अच्छा दोनों तरह के भाव रखने वाला, कैसे याद करेंगे, वही अंबी ले लेते हैं, अंबी जो है एम्बिवलेंट, अंबी जो है बबली के साथ अंटे खेलता है, तो वो कहता है कि वैसे तो अंटे खेलना गलत है लेकिन जब मैं बबली के साथ अंटे खेलता हूं तो सही है, यानी अंटे खेलना उसकी नजर में गलत है लेकिन बबली के साथ सही है, अंबी बबली के साथ अंटे खेले तो सही और वैसे अंटे खेलना गलत, एम्बिवलेंट, ठीक है। एम्बिवलेंट मीन्स किसी के बारे में दोनों तरह के भाव रखने वाला। देखिए हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे सामने एनिमोस्टी, एनिमोस्टी मीन्स घृणा या फिर दुश्मनी आप कह सकते हो। अब देखिए एनी, एनी मतलब कोई भी मौसी, कोई भी मौसी हो अगर उनको टाइम पर टी नहीं दें तो वो क्या रख लेती है अपने अंदर, दुश्मनी, बहुत ज्यादा, ठीक है, घृणा रख लेती है अपने अंदर, एनिमोस्टी। अगर कोई भी एनी मतलब कोई भी मौसी, किसी भी मौसी को अगर आप टी नहीं दोगे टाइम पर तो वो क्या रख लेंगी, घृणा या फिर दुश्मनी। देखिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, ठीक है, याद हो जाएगा एनिमोस्टी। नेक्स्ट है हमारे पास अनाइलेट, अनाइलेट मीन्स विनाश करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। अब देखिए एक बार आपको अर्जेंट में बाल कटवाने थे और आप एक नाई के पास गए, लेकिन वो जो नाई था वो क्या करता था कि लेट कर ही बाल काटता था, अनाइलेट, ओके, नाई जो है लेट कर ही बाल काटता था। तुमने कहा कि फाइनली चल ठीक है काट दो मुझे कल कहीं पर जाना है, अब वो लेट के काटने लगा और बाद में जब देखा तो उसने तो पूरे बाल का विनाश कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, करना कुछ तो हो कुछ गया बिल्कुल, ठीक है, हो जाएगा अनाइलेट मीन्स विनाश करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है। अब एक बार इनको देख ले फिर आगे बढ़ते हैं, ओके, टेक योर टाइम। यस फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद हो गए होंगे, वीडियो को कई बार देखें, प्रैक्टिस करें और सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप डिस्क्रिप्शन में से उतार लें, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।